दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से आज का मैच कौन जीतेगा। भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला चेन्नई में खेला जा रहा है। मैच के लिए टॉस हो चुका है और टॉस जीत गई है पहले ऑस्ट्रेलिया और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। वहीं अब भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करनी होगी। फिलहाल टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की ये वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। चेन्नई का चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम जितना भारतीय टीम के लिए लकी नहीं रहा, उसे कहीं ज्यादा ऑस्ट्रेलिया टीम को यहां फायदा मिला है। भारतीय टीम का इस मैदान पर जीत प्रतिशत 58.33 का रहा, जबकि ऑस्ट्रेलिया टीम का जीत प्रतिशत 80 का रहा है। टीम इंडिया ने इस मैदान पर 13 मैच खेले हैं, जिसमें से 7 जीते और 5 हारे हैं। एक मुकाबला बेनतीजा रहा था, जबकि कंगारू टीम ने चेन्नई के मैदान पर अब तक 5 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें से 4 में उसे जीत मिली है। सिर्फ एक बारी हार का स्वाद चखा था। टीम इंडिया अगर तीसरा वनडे भी हार जाती है तो उसे बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दरअसल सीरीज के साथ ICC वनडे रैंकिंग के नंबर 1 का ताज भी दांव पर लगा हुआ है। अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाती है तो इस फॉर्मेट में वो नंबर 1 टीम बन जाएगी। आखिरी वनडे मैच में भारत को कप्तान रोहित शर्मा से बड़ी उम्मीदें होंगी। निर्णायक मुकाबलों में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है। भारतीय फैंस रोहित शर्मा से एक और ऐसी पारी की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे टीम इंडिया सीरीज को अपने नाम करने में कामयाब रहेगी।